एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के बाद प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है, जहां नसरुल्लागंज के एक निजी हॉस्पिटल में डिलीवरी के बाद महिला की हालत सीरियस हो गई, जिसके बाद महिला को भोपाल रेफर किया गया, लेकिन भोपाल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और थाने पहुंचकर संचालक के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। मामले को लेकर मृतक महिला के पति शफरुल्लाह खान ने बताया कि उसकी पत्नी को रविवार को अचानक पेट में दर्द होने पर नसरुल्लागंज नगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं देर रात को महिला के डिलीवरी ऑपरेशन से की गई, उसने एक बच्ची को जन्म दिया। ऑपरेशन के बाद खून बहने से महिला की हालत खराब हो गई। करीब 8 से 10 बॉटल खून भी महिला को चढ़ाया गया, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी। उसके बाद महिला को भोपाल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसे में वहां से वापस लौटकर परिजनों ने नसरुल्लागंज में निजी अस्पताल के संचालक और डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग उठाई है। फोन करके ये किया जा रही है कि आप मतलब कहने का जो है सर्जरी मत करवाओ दूसरी। बात ये नहीं है कि भाई हमारा पैसा लगा वो हमें वापस मिल जाए, जो मर गया वो वापस आने का नहीं है, हम भी जानते हैं, लेकिन आगे जो और भी लोग हैं वो इस चीज से जो है नुकसान नहीं उठाए। हमें लग गया था कि बीमारी का संकेत है, बीमारी होती है प्रेगनेंसी DIC नाम की, जिसमें पेशेंट को खून जमने का क्षमता, जो क्लॉटिंग का क्षमता वो कम हो जाती है, उसमें खून बंद करना बहुत मुश्किल होगी। तो ये हमें लग गया था पता, और हमने उसको अच्छे से ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद ड्रेन डाल के हमको बाहर आने थे, और उसके बाद ब्लड चढ़ाए गए।